कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में भाजपा हाईकमान के द्वारा पहले मेरा नाम विधानसभा चुनावों के लिए दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जिद के कारण मेरा टिकट कट गया। यह बात कुल्लू के रथ मैदान में आजाद प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनावों में उतरे भाजपा नेता राम सिंह ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अब कुल्लू विधानसभा की जनता के कहने पर वे आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर आए हैं और कुल्लू की जनता ही अब हिमाचल प्रदेश में सरकार तय करेगी। वहीं भाजपा के नेता राम सिंह ने भी आजाद प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह हिमाचल सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा मंडी सीट से सांसद भी निर्वाचित हुए हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी ने महेश्वर सिंह का टिकट बागी हुए बेटे को लेकर काटा है। कहा कि अगर मुझे संगठन का ही काम करना, मुझे चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं, परंतु कहा आप विधानसभा क्षेत्र में भी गली गली जाए, आवाज बुलंद करें पार्टी की, मैं लगातार आवाज बुलंद करता रहा। जब समय आया तो कुल्लू विधानसभा क्षेत्र का टिकट अनाउंस कर दिया। अब सुना है उसको होल्ड कर दिया। मुझे समझ नहीं आती होल्ड शब्द क्या है, कैसे टिकट दिया जाता है और कैसे होल्ड किया जाता है। भाइयों तथा बहनों, स्पष्ट रूप से मैं आज आपके सामने कहता हूं, संगठन की बात करते हैं, हमसे ज्यादा संगठन की बात कौन कर सकता है जिसने अपने संगठन के लिए 2017 में अपना परिवार भी खो दिया। यह संगठन की पत्र हमें पाठ पढ़ाते हैं। मनाली में किसको कैंडिडेट दिया बीजेपी ने, जिसने बागी होकर पार्टी के खंडे फूके, वो आज मनाली में कैंडिडेट है। आज जो अभी तक आधिकारिक रूप में घोषणा आई है, जिसको कह रहे होल्ड, परंतु अधिकारी उस व्यक्ति को टिकट दिया जिसने यूरोपा बनाई, और पत्रकार मित्र यहां बैठे हैं, उन्होंने कहा मैं शमशान घाट जाना पसंद करूंगा परंतु बीजेपी में नहीं आऊंगा, उसको टिकट दिया। पंजाब में किसको टिकट दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंकने वाले को आज पंजाब से टिकट दिया। इतना ही नहीं, अन्य विधानसभा क्षेत्र से तो ठेठ कामरेड को, जिसने 2 महीने तक कहा मोदी शाह की तानाशाही नहीं चलेगी, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया। आप बताइए इन 4 विधानसभा क्षेत्र में संगठन का व्यक्ति कौन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, हाईकमान का आशीर्वाद राम सिंह के साथ था, मुख्यमंत्री की जिद हुई कि नहीं हमें राम सिंह को टिकट नहीं देना है, क्योंकि वो एक साधारण परिवार का व्यक्ति है, गरीब किसान बागवान का बेटा है, आप सबके बीच के निकला हुआ बेटा है। इस प्रकार का मुख्यमंत्री जी की जिद क्यों, उनको एक ईमानदार व्यक्ति नहीं चाहिए, उनको संगठन के प्रति समर्पित व्यक्ति नहीं चाहिए, उनको मनाली विधानसभा क्षेत्र के नुमाइंदे के रूप में बागी व्यक्ति चाहिए, उनको यहाँ पर लोपा जैसी पार्टी गठित करने वाले नुमाइंदे चाहिए, उनको प्रदेश अध्यक्ष का पुतला जलाने वाला बंजार में चाहिए, और ठेठ कामरेड आनी में चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस मंच से चैलेंज करना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं, ये कुल्लू विधानसभा का चुनाव है या क्षेत्र है, ये आम जन की लड़ाई है, ये पूरे 68 विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई है। मैं इस मंच के माध्यम से 68 विधानसभा क्षेत्र के गरीब किसान मजदूर युवा शक्ति मातृ शक्ति से आह्वान करना चाहता हूँ, एक मुख्यमंत्री की जिद, एक साधारण कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ेगा, तो मैं तो यहाँ से चुनाव जनता के रूप में जनता की आवाज बनकर लड़ेगा। मैं 8 विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूं, आप भी इस प्रकार के दल बदलुओं को, पार्टी ने कई जगह तो कहा परिवारवाद नहीं चलेगा, पार्टी तो ठीक थी, मुख्यमंत्री जी कहते इसको ही टिकट देना है। मुख्यमंत्री जी आइए कुल्लू में जनसभा करिए, उसका जवाब मैं आपको लाइव दूंगा। अगर आप में दम है तो आइए हम आमने सामने कुल्लू में नहीं तो आपके सिराज विधानसभा क्षेत्र में आकर आपसे बहस करने के लिए तैयार हूँ। मैं विशेषकर 8 विधानसभा क्षेत्र के लोगों से
आपसे अपील करता हूँ, मैं मंडी में आऊंगा, मंडी हमारी है। मुख्यमंत्री जी आपकी जागीर नहीं, ये जागीर हम लोगों की है जो मंडी संसदीय क्षेत्र में रहते हैं, ये आपकी जागीर नहीं। आप कहते हैं कि साधारण व्यक्ति नहीं चाहिए। सीडी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।